धीरेन्द्र शास्त्री का सबसे बड़ा खुलासा, नहीं है मेरे में कोई शक्तियां, न रखे कोई आस्था। हिंदू राष्ट्र के बाद क्या मांगेंगे बागेश्वर धाम सरकार, विरोधियों हो जाओ खबरदार। हर घर के सामने हो बुलडोजर, करेंगे खूब प्रचार, पहुंचेंगे श्री राम हर घर के द्वार। शास्त्री ने कहा ठेस पहुंची तो दे दो माफी, अभी तो शुरू हुई है झांकी। हिंदू राष्ट्र मांग करने वाले बागेश्वर धाम सरकार ने बड़ी मांग कर दी है। बागेश्वर धाम सरकार ने बता दिया कि वो आखिर चाहते क्या हैं और किस लिए इस पद पर निकले हैं। अभी कथाओं में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ हिंदू राष्ट्र की मांग करते थे, लेकिन अब बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ती भक्तों की भीड़ के बाद तय किया है कि वो अपनी मांग को आगे भी बढ़ाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का साफ साफ संदेश है कि वो अब सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, अब सिर्फ सनातन धर्म के प्रचार के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। जलाई जा रही रामचरितमानस की प्रतियां और फिल्मों में सनातन धर्म को लेकर की जा रही टिप्पणी पर धीरेन्द्र शास्त्री बेहद नाराज दिखाई दिए। बागेश्वर धाम सरकार के मुखिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रुकने वाले नहीं हैं। इतने विरोध के बाद भी उन्होंने साफ कह दिया है कि वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लड़ते और चलते रहेंगे, चाहे उसके लिए उनकी जान तक क्यों ना चली जाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान कर दिया है कि नए युवाओं को सनातन धर्म से कनेक्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर उनका काफिला चलता रहेगा और यूं ही निखरता रहेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कह दिया है कि अगर हिंदू राष्ट्र पर मोहर लग जाती है तो भी उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी। हिंदू राष्ट्र के बाद उनकी मांग होगी अखंड भारत की। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद से संत समाज के साथ युवा और हिंदू समाज में बल मिलने जैसी शक्ति दौड़ने लगी है। उनके ऐलान के बाद से ही तय हो गया है कि मरते दम तक सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए मांग करते रहेंगे। हर घर में श्रीराम को पहुंचाना उनका लक्ष्य है और हर शहर में कथा करना भी उनका लक्ष्य है। ये प्रचार का काफिला रुकेगा नहीं बल्कि चलता रहेगा चाहे जो भी हो जाए। अपनी शक्तियों को लेकर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुलासा कर दिया है। इससे साफ हो गया है कि वाईफाई जैसी शक्ति कहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अब पूरी तरह से बैकफुट पर हैं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं, मुझे प्रेरणा मिलती है और अनुभव से लिख देता हूं और वो सच हो जाता है। इसके साथ साथ कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों के घरों के सामने बुलडोजर खड़ा रखने की बात भी कह दी। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि पहले लोग अपनी सुरक्षा के लिए धनुष बाण रखते थे, लेकिन अब समय बदल गया है और लोगों के घरों के बाहर खुद की सुरक्षा के लिए बुलडोजर होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद से साफ हो गया है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने रास्ते को तय कर लिया है कि हर हाल में सनातन धर्म के प्रचार और सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे, लिहाजा उनके बयान भी तीर की तरह चलते हैं। खुद को भगवान या संत के सवाल पर भी धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कहा कि हम भी आम आदमी की तरह हैं, बस हम पर हनुमान जी की कृपा है। वैसे तो देश में लाखों हनुमान के भक्त हैं, लेकिन सब अपने लिए मांगते होंगे, हम पूरे विश्व के लिए मांगते हैं, इसलिए शायद हम में ऐसी शक्ति है। अखंड भारत की मांग करने के ऐलान के बाद लगातार बयानों को लेकर जताई जा रही नाराजगी पर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बागेश्वर धाम के कथावाचक और मुख्य पुजारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर उनकी भाषा और उनके शब्दों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, किसी को ठेस पहुंची है, तो वो उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि वो सनातन धर्म के साथ साथ सभी धर्मों और उनके अनुयायियों का सम्मान करते हैं, उनके मन में किसी के प्रति कोई भेद नहीं है, लेकिन संतों का अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि सब बातें धीरेन्द्र शास्त्री ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान कही हैं।